शिल्पांग संगीत सभा में पुनः आप सभी संगीत प्रेमियों का यहाँ पे मैं देवाशीष से स्वागत करता हूँ। बड़ों को प्रणाम और छोटों को आशीर्वाद। शिल्पांग संगीत सभा के अनेक पर्पस हैं, अनेक उद्देश्य हैं, जिसमें से एक बहुत बड़ा उद्देश्य है अपने विद्यार्थियों को मंच कला से सुपरिचित कराना है। हालांकि संगीत एक मंच कला के रूप में ही स्थापित है, ये संगीत मुख्यतः मंच पर ही प्रस्तुत की जाती है, लेकिन मंच पर प्रस्तुति किस प्रकार की जाए, माइक के साथ कैसे आत्मीयता बनाई जाए, साथ में तबला वादक और हारमोनियम संगतकार बैठे रहते हैं उनके साथ किस प्रकार से तादात्म्य स्थापित किया जाए, सामने बैठे हुए दर्शक वृंद से किस प्रकार संवाद किया जाए, सांगीतिक संवाद, ये सीखना भी एक बहुत बड़ा कार्य है जो हम शिल्पायन संगीत सभा के माध्यम से करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज कुल चार कलाकार के चित्र आपके सामने हैं, सिमरन गिरी, रिद्धिमा गुप्ता, ईशाना चौरसिया और प्रज्ञा गुप्ता। इन चारों के साथ संगति करेंगे पंडित किशोर मिश्र जी तबले पर, श्री वेदांत सिंह जी भी करेंगे तबले पर और हारमोनियम पर हर्षित उपाध्याय। पहली दो प्रस्तुतियों में वेदांत सिंह संगत करेंगे और तत्पश्चात पंडित किशोर मिश्र जी। कार्यक्रम वस्तुतः दो चरणों में होना है। पहले चरण में एक ही कलाकार है सिमरन गिरी, जो यहाँ पे अपने जो कुछ भी तैयारी के साथ आई है उसकी प्रस्तुति करेंगे, लेकिन बाद के तीनों के सामने एक छोटी सी चुनौती रखी गई है जिसका नाम हम लोगों ने दिया है पांच राग तीन कलाकार। तीन कलाकार पांच राग को बोलेंगे तब गड़बड़ हो जाएगा, यानी तीन कलाकार पांच राग प्रस्तुत करेंगे ऐसा नहीं, पांच राग है तीन ही कलाकार होंगे। तो पांच रागों में से सामने एक कप रखा हुआ है, उसमें से जो कलाकार होगी वो स्वयं निकालेगी जो राग निकलेगा, ये उनकी आपसी सहमति से ही तय हुआ पांचों राग, लेकिन पांच राग है, जो भी राग उनके हाथ में रहेगा उसकी प्रस्तुति करेंगे। थोड़ा सा चुनौती बढ़ाया गया है, हालांकि बहुत छोटी चुनौती है, अपने यहाँ तो लेवल टेस्ट वगैरह होता है जिसमें दर्जनों राग होते हैं, फिलहाल विद्यार्थियों को लेवल टेस्ट के प्रति जो एक झुकाव था पहले वो अब कम दिखाई दे रहा है, इसलिए हम लोगों ने थोड़े दिन के लिए इसको हटा दिया है, एक छोटी चुनौती लाए, देखते हैं छोटी चुनौती से कैसे लोग पार पाते हैं। लेकिन सबसे पहले सिमरन गिरी अपना गायन प्रस्तुत करें। सुश्री सिमरन गिरी अपेक्षाकृत कलाकार के रूप में बहुत ही कम प्रस्तुतियां उसकी हुई हैं, अभी अपेक्षाकृत नवीन कलाकार है या नवीन विद्यार्थी है, शिल्पायन में बहुत थोड़े ही दिन हुआ है, कुछ ही महीने हुए हैं सीखते हुए, लेकिन फिर भी प्रस्तुति करने का साहस कर रही है, इसके लिए साधुवाद। और आज ये राग जोग प्रस्तुत करने जा रही है, इनके शिल्पायन में पहली प्रस्तुति है तुम्हारी, ये दूसरी, इससे पहले तुमने भजन गाया था, इससे पहले भजन की प्रस्तुति के द्वारा प्रारंभ किया था इसने शिल्पायन के मंच पर, और आज पहली बार एक राग की प्रस्तुति करेगी, राग जो विद्यार्थीगण ना केवल सुने बल्कि सुनते हुए अपने आप को वहां पर रख के कल्पना करें कि वहां पर रखकर कल्पना करें कि कल को मुझे भी यहाँ गाना है। तो ये जो भी विद्यार्थी नए हैं जो अभी तक नहीं गाए हैं या एक बार गा भी चुके हैं वो इस बात की कल्पना करें कि हम वहाँ पे बैठेंगे तो मैं क्या गाऊंगा या गाऊंगी, उसमें कैसे क्या चैलेंजेस होंगे, अपने आप को उस तरह से स्थापित करते हुए सोचें जिससे उनका भी परफॉर्मेंस आगे आने वाले दिनों में हो तो बहुत ही सुंदर और यादगार। तो अभी हम लोग सिमरन गिरी से राग जो सुनने जा रहे हैं। माल्यार्पण के लिए श्री हरिनारायण साहब जी से आग्रह है कि आज के
मंच पे उपस्थित इन तीनों कलाकारों को माला अर्पित करें। सुश्री सिमरन गिरे सिमरन के बाद अब माल्यार्पण श्री वेदांत सिंह और तत्पश्चात श्री हर्षित उपाध्याय की प्राचार्य डॉक्टर राजवी शर्मा को भी माल्यार्पित करने की सारदा जी की इच्छा है। श्रीमती गार्गी सारदा डॉक्टर राजवी सरदा का माल्यार्पण करें। ये एक बहुत अच्छी बात है जो शायद आज की सभाओं में नहीं दिखती है। हर जगह जितने लोग होते हैं उसके दोगुने मोबाइल होते हैं फोटो खींचने के लिए, यहाँ कोई नहीं खींच रहा है, ये अच्छी भी बात है। लेकिन ये हमेशा उतनी भी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी मान लेते कि चलो अच्छी। लीजिए राजयोग का आनंद लीजिए। सर्वप्रथम गुरुजी और रागिनी मैम को मेरा प्रणाम, यहाँ उपस्थित सभी श्रोता जनों को मेरा सादर प्रणाम। मैं सिमरन गिरी आप सभी के सामने प्रस्तुत करने की प्रयास करूँ राग जोग।